स्वागत है कोमल्स किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं ब्रिटानिया की 100% गारंटी के साथ जो ट्रिक और टिप मैंने दिया है, यदि आप अपनाएंगे श्योर है कि इतना सॉफ्ट और स्पंजी केक बनेगा। और आप देख रहे हैं पूरा डबल कलर है, कहीं से हमारा कलर मिक्स नहीं हुआ है और उतना ही सॉफ्ट केक बना है। इसे आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के लिए चाहिए हमें बाउल लिया है, जिसमें मैंने आधा कप ये दूध पाउडर डाला है और इसके बराबर की क्वांटिटी की हमने शक्कर डाल दिया है। और इसमें मैं आधा कप से दो हिस्सों में आधे कप को बांट दिया, थोड़ा सा तेल डाला है, थोड़ा सा बटर, दोनों का फ्लेवर लाने के लिए। और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा। कप मैंने मैदा दिया है, जिसे मैंने अच्छी छन्नी से छान लेना है। अलग से बर्तन में मुझे छानना है पहले। इसमें देखिए मैंने मैदा छाना है, इसमें मैंने दूध पाउडर डाला था, पिसी हुई शक्कर डाली, थोड़ा सा तेल डाला है और बटर डाला है, बेकिंग पाउडर, सोडा, इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने हाथ से मिक्स कर दिया। अब हम इसमें दूध डालते जाएंगे और साथ साथ में मैदा डालते डालते इसे अच्छे से फेंट देंगे। धीरे धीरे मिक्स कीजिएगा क्योंकि सोडा फॉर्मेट करने लगती है जैसे ही वो बैटर में जाती है। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा मैदा डालती जाऊंगी और साथ साथ में फेंटती भी जाऊंगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स भी होता जा रहा है। और एक चम्मच से हम धीरे धीरे इसमें मैदा और दूध दोनों को साथ में डालते जाएंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए मेरा जो बैटर है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। उसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, न ज़्यादा गाढ़ी है न ज़्यादा पतली है। हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब आप सोचेंगे हमने दो से क्यों डिवाइड किया, वही तो हमारा सस्पेंस है। अब हम इसमें एक चम्मच कोको पाउडर डाल देंगे और हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। जिसमें हमने कोको पाउडर डाला है उसे एक अच्छे से मिक्स कर दीजिए, क्योंकि हम ब्रिटानिया केक बना रहे हैं तो उसमें दो फ्लेवर चाहिए होते हैं, एक वनीला फ्लेवर एक चॉकलेट फ्लेवर। तो हमने चॉकलेट फ्लेवर के लिए अलग अलग आटा, आपको फेंटने की ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ फेंट लीजिए उसे दो हिस्सों में डिवाइड करके। और ये देखिए मेरा चॉकलेट बैटर तैयार हो गया। अब हम चॉकलेट बैटर में डालेंगे चॉकलेट एसेंस और हम वेनिला वाले में डालेंगे वेनिला एसेंस। ये देखिए दोनों बैटर मेरे अच्छे से तैयार हो गए और मैंने दोनों में एसेंस, यदि आपके पास चॉकलेट या वेनिला एसेंस कोई भी नहीं है तो आप रोज एसेंस अपनी पसंद का एसेंस यूज कर सकते हैं। ये दोनों बैटर मेरे बन के तैयार हो गए हैं, वेनिला वाला और चॉकलेट। अब मैंने ये मोल्ड लिया है, आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं क्योंकि हमें ब्रिटानिया केक बनाना है तो हमने स्क्वायर मोल्ड चाहिए, तो हमने ब्रेड की साइज का ये सिल्वर बोल ले लिया है। अब हम इसमें बटर से पूरे अच्छे से मोल्ड में लगा देंगे एक लेयर के। ये दोनों मायल मोल्ड में मैंने बटर ग्रीस किया है, आप तेल भी कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा मैदा डाल देंगे। जब आप मैदा डालेंगे तो इस चीज़ को हाथ ध्यान दीजिएगा, आप इसमें हाथ नहीं लगाएंगे, ऐसे हाथ के सहारे से आप पूरे मोल्ड को हिला दीजिए। और आप देखिए कैसे अच्छे से हमारा मोल्ड तैयार हो गया। ये देखिए मैंने दोनों मोल्ड को ग्रीस किया, फिर इसके ऊपर मैदा लगा दिया, दोनों मोल्ड हमारे तैयार है। अब आपको डालने का तरीका बताया जा रहा है। सबसे पहले हम इसमें वेनिला डाल देंगे, मैं आपको एक में वेनिला नीचे डालना सिखाऊंगी और एक में पहले चॉकलेट, आप अपनी इच्छा से लगा सकते हैं, आप एक भी बना सकते हैं, मैंने दोनों बताना सिखाया है। ये देखिए मैंने पहले वेनिला डाला, अब मैं चॉकलेट वाला डालूंगी। इसे आधा ही भरना है, ज़्यादा नहीं भरना है हमें। आप देख सकते हैं मैं कैसे गिरा रही हूँ, तभी वो ऐसी डिजाइन बनती है कि आधा अपना ब्राउन दिखता है और आधा व्हाइट दिखता है। मोल्ड में नीचे मैंने चॉकलेट डाला है और पहले हमने वेनिला डाला था, इसी तरह हमें इसके ऊपर भी वेनिला डाल देना है। ये देखिए मैंने दोनों मोल्ड तैयार कर दिए, आपको एक में ऊपर से चॉकलेट दिख रहा है, एक में वेनिला। आप मन चाहे से आपको नीचे वेनिला डालना है तो डाल सकते हैं, ऊपर चॉकलेट। मैंने दोनों तरीके से आपको सिखाया और मैंने इसे टैप कर दिया है। ये देखिए मैंने एक कढ़ाई रखी है जिसमें मैंने नमक डाला है जो मैंने कई बार यूज़ किया है, उसके ऊपर मैंने रिंग रखा है, रिंग के ऊपर मैं ये थाली रख दूंगी। और ये मैंने 10 मिनट पहले प्रीहीट करने के लिए रख दिया था और ये प्रीहीट हो चुका है। अब हमें इसे मोल्ड को रख देना है, आप दोनों एक साथ भी रख सकते हैं और एक एक करके, मैंने एक एक करके बैक करना है। इसे 30 मिनट के लिए बैक करना है, मैंने इसे कम आँच पे 30 मिनट के लिए रखा है, 30 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे। ये देखिए 30 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे खोल के देखती हूँ कि हमारा केक कैसा है। मैं आपको नीडल डाल के दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत क्लीन निकली, यानी केक हमारा बेक हो चुका है। सिर्फ मात्र 30 मिनट में ये आपका केक बेक हो जाएगा। इसे मैं रूम टेम्परेचर के लिए रख दे रही हूँ 2 घंटे के लिए।
ये मेरा डबल कलर के बनके तैयार हो गया है। मैं आपको मोल्ड से निकाल के दिखा रही हूँ कि ये अंदर से कैसा दिखता है। ये कितनी इजीली हमारे मोल्ड से निकल चुका है। अब अंदर से ही डबल कलर जैसे दिखता है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये डबल कलर का हमें केक दिख रहा है। देखिए, मेरा केक बनके तैयार हो गया है। इसे आप अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस कोमल के साथ शेयर कीजिए। कोमल किचन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं।